धर्मेंद्र अपने दौर के सबसे हैंडसम अभिनेता रहे हैं। फिल्मों में निभाए गए दमदार किरदारों के लिए धर्मेंद्र को बॉलीवुड का एक्शन किंग और ही मैन कहा जाता है। अब भला उनकी जैसी गबरू पर्सनैलिटी वाले कलाकार का कोई कैसे फैन ना हो। हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री किरण खेर को उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते देखा गया है। दरअसल सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट का एक प्रोमो शेयर किया गया है। इसमें दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मेहमान बनकर पहुंचे नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किरण खेर ने जी भर के ही मैन की तारीफ की है। उन्होंने अभिनेता को हैंडसम बताते हुए कहा कि धर्म जी का व्यक्तित्व एक किलर कॉम्बिनेशन है, वह दिल के बहुत अच्छे हैं, कोई महिला कैसे उन्हें इग्नोर कर सकती है, इतने अच्छे इंसान हैं। ये सुनते ही धर्मेंद्र हंस पड़ते हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है कि मानो उनके पास शब्द ही ना हो। शर्म से उनके चेहरे लाल पड़ चुके होते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस धर्मेंद्र की तो तारीफ कर ही रहे हैं, साथ ही किरण खेर ने जिस अंदाज में उन्हें सराहा है उसकी भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बताते चले कि इस हफ्ते शो काफी मजेदार होने वाला है। शो के अब तक कई प्रोमो सामने आ चुके हैं। एक प्रोमो में देखा गया था कि ही मैन जैसे मंच पर आते हैं, किरण खेर भी उनसे मिलने स्टेज पर चली जाती हैं और उनके हाथों को चूम लेती हैं। बाद में किरण खेर और धर्मेंद्र को फिल्म शोले का आइकॉनिक सीन भी रिक्रिएट करते देखा गया है। इस सीन में धर्मेंद्र वीरू बनकर बसंती यानी किरण को निशाना लगाना सिखाते हैं। गौरतलब है कि साल 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के जरिए धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। 1966 में फिल्म फूल और पत्थर की सफलता के बाद धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। ही मैन आज अपनी फिल्म सत्यकाम, चुपके चुपके, नौकर बीवी का जैसी फिल्मों में बिल्कुल अलग तरह के अभिनय के लिए जाने जाते हैं।